इस समय हम आम ग्रोटा में हैं और एक बेहतरीन ग्राउंड, एक बेहतरीन माहौल क्रिकेट के हिसाब से, और पहले बार यहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। अभी तक जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मैच नहीं हुआ जहां पर लड़के और लड़कियां एक ही टीम में खेल रही हैं, और ये पहली बार होने जा रहा है, मुमकिन हो पाया है। मीडिया 11 की बात करें, मीडिया 11 क्रिकेट क्लब की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, और उसके साथ साथ हमारे पास जितने भी जो लड़कियां हमारी टीम में खेल रही हैं वो एक से एक धुरंधर हैं और सीनियर खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। तो अभी कुछ ही देर में रोमांचक जो मैच अभी शुरू हो चुका है, दोनों कप्तान यहां पर हैं, मीनू सलाथिया जी बेहतरीन खिलाड़ी, काफ़ी नाम रोशन किया जम्मू कश्मीर का मीनू सलाथिया जी ने, और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम ने। दूसरी तरफ एक्चुअली दो टीमों में डिवाइड है, मीडिया ब्लू और मीडिया रेड, मीडिया ग्रीन। अब जो मीडिया ब्लू है उसमें भी 6 मीडिया के हैं और 5 जो लड़कियां सीनियर नेशनल की खिलाड़ी हैं वो हैं, और दूसरे में भी ऐसा ही है। तो एक मैच की शुरुआत अभी हुई है, अभी टॉस भी हुआ है, वो भी जानेंगे। दोनों कप्तानों को पहले शुभकामनाएं, शुक्रिया सर का जिनकी वजह से ये ग्राउंड हमें मुहैया हुई है और हमेशा स्पोर्ट्स को इसी तरह बढ़ावा देते हैं। हमारे बीच श्यामलाल लंगर जी मौजूद हैं, बाबा चंचल जी मौजूद हैं, ये हमेशा अपना कीमती समय निकाल कर जो है वो आते हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। चलिए चलते हैं विवेक सूरी जी से, और मैं चाहूँगा कि बीनू सलाथिया जी भी साथ में आ जाए, दोनों कप्तान साथ में हो, थोड़ा बातचीत हो जाए। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और तमाम खिलाड़ियों को कि पहली बार ऐसा होने लगा है, हिंदुस्तान में भी अभी तक ऐसा कभी मैच देखने को नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। एक मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जहाँ पर सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा भी उस मैच में खेले थे, चाहे वो एक एक ओवर ही खेले। कैसे देखते हो ओवरऑल मैच, और इस ग्राउंड के बारे में बात करें और ये इनिशिएटिव लेना अपने लेवल पर, एक बैठकर मंथन करना कि इस तरह की सोच भी जो है वो आगे कारगर साबित हो सकती है। राहुल, सबसे पहले तो आज एक महत्वपूर्ण बात की, एक आज इतिहास रचा जा रहा है इस ग्राउंड में, कंट्री क्रिकेट एकेडमी की अगर बात करें, और इसके लिए सबसे पहले बुरी प्रशंसा विक्रांत जी की जिन्होंने इतनी खूबसूरत ग्राउंड को लेआउट किया है, बाबा चंचल जी का, श्याम जी का जो यहाँ पर आए हैं अपने कीमती समय इस गर्मी में निकाल के, क्योंकि हम तो खेलते रहते हैं गर्मी में, लेकिन इनका आना बहुत बड़ी बात है। आज के मैच की अगर बात करें तो इतिहास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मिक्स जेंडर एक कॉन्सेप्ट, एक ऐड आया करती थी विराट कोहली की, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर की, चैलेंज एक्सेप्टेड, राइट, किन्हीं कारणों से वो मैच बीसीसीआई ने अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन वो हमारे मन में था और कहीं ना कहीं उस थिंक टैंक का अभी हिस्सा रहे हैं पिछले 3 दिन से जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग हम कर रहे थे, और आज उसका नतीजा है कि यहाँ पर एक मिक्स जेंडर क्रिकेट मैच जिसमें मीडिया ब्लू और मीडिया ग्रीन दो टीमें हैं, जिसमें मीडिया के 5 और सीनियर रणजी फीमेल जो टीम है यहाँ पर हैं, कुल मिलाकर 6+5 दोनों टीमों में इक्वली डिवाइडेड है और एक बैलेंस टीम बनाने का प्रयास किया गया है। कोशिश ये है कि जो एक जेंडर बैरियर लोगों के दिमाग में है उसको हटाया जा सके कि महिलाएं, गर्ल्स किसी से भी कम नहीं, और कंधे से कंधे मिलाकर आज क्रिकेट की इस पिच में हम सब इकट्ठा हुए हैं इस कॉज के लिए, और एक इतिहास का हिस्सा हम सब यहाँ पर बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके गिनती समय के लिए। अब चलते हैं दूसरी टीम के कप्तान, कैसा लग रहा है ये नए फेस की कप्तानी करके, क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार कप्तानी की है और अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया है, ये जो एक इनिशिएटिव लेना, आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की इनिशिएटिव और लेने की जरूरत भी है, खासतौर पर बीसीसीआई की बात करें, जेकेसीआई की बात करें, कैसा लग रहा है ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस की बात करें? सर, पहले तो सबसे पहले मैं विवेक सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग भी बॉयज़ के साथ क्रिकेट खेल सके, हमें भी पता चल सके कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है बॉयज़ के साथ खेलने से, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी दी। तो फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि मैच किस तरह जाएगा, उसके बाद ही टॉस तो आपने जीता है, टॉस आपने जीता है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से अभी उठा पटक किया जाएगा ग्राउंड में, क्योंकि देखिए जब आप मुझे, मैं जानता हूँ इतना कि खिलाड़ी जब सोचता है ना तो वे सोचेगा सामने वाली टीम को हराना कैसे है, डजंट मैटर वो स्ट्रॉन्ग है या बराबर है या लड़के हैं या लड़की हैं, क्या कुछ प्लानिंग के साथ उतरने वाले हो आप इस मैच में? सर, प्लानिंग सिर्फ ये है, ये नहीं देखना है कि लड़का है या लड़की है, मेन थिंग ये है कि हम लोग एक स्पोर्ट खेल रहे हैं क्रिकेट, हमने मेन ये देखना है कि बैट्समैन किस तरह से खेल रहा है, बॉलर किस तरह से कर रहा है, हम अभी सब प्लेयर्स को जानते नहीं है, तो पहले मेरा यही था कि हम लोग बैट लेंगे सो दैट जितना भी टाइम हमें मिले हम उनके साथ स्पेंड कर सकें, थोड़ा कंफर्टेबल हो सकें, उनसे थोड़ा बातचीत कर सकें, उसके बाद ही हम फील्डिंग में स्ट्रैटेजी थोड़ा बना सकें। चलो, ऑल द बेस्ट आपको भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज कोई भी जीते निश्चित तौर पर जीत आज क्रिकेट की होगी। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली, हम आगे भी चल रहे हैं। सर, कैसा लगता है जब मैचेस तो बहुत सारे होते हैं, आप भी कीमती समय निकाल कर आए, बाबा चंचल जी भी अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप हमेशा सहयोग करते हो स्पोर्ट्स को, आप सामाजिक कार्य में भी लीन रहते हो, क्या कहना है जब लड़के लड़की एक साथ एक ही टीम में इकट्ठे खेल रहे हैं और जिस तरीके से हम कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, आपको लगता है उसकी एक एग्जाम्पल सेट होने वाली आज? देखिए, ऐसे सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जो
क्रिकेट ग्राउंड जिन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि ये सबसे पहले उनकी देन है। बिल्कुल। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, तभी वो खेल पाएंगे, तो उनको मुबारकबाद जाती है, मुबारकबाद के वो हकदार हैं। दूसरा नंबर जो आज को मैच होने जा रहा है, लड़कियां भी हैं इसमें, लड़के भी हैं, तो लड़कियों को आपने मौका दिया है। ये बच्चियां जो हैं ये देश का भविष्य है। बिल्कुल। तो अगर देश का भविष्य मैदान में उतर जाएगा तो देश जो है वो स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये बच्चियां मातृशक्ति ये घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो देश को स्वर्ग बनाने के लिए इनके पास कोई मुश्किल समय या मुश्किल इनके लिए बात नहीं है। अगर ये बाहर आएंगी, आप देख लीजिए आज आर्मी में भी मातृशक्ति है, हर जगह देखो आप, तो जहाँ भी ये जा रही हैं फील्ड में, वहाँ फतेह ही फतेह है। तो मैं आज सभी को, दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूँ। एक ने फर्स्ट एक ने सेकंड आना है, ये तो निश्चित है। तो जो फर्स्ट आए उसको भी मुबारक, जो सेकंड आए उसको भी मुबारक, और दोनों टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आज के मैच के लिए। बहुत शुक्रिया। बाबा चंचल जी हमारे साथ हैं और काफ़ी सामाजिक कार्य करते हैं, काफ़ी गरीब बच्चियों के शादियां तक करवाते हैं। बहुत सी मजबूरियां जब लोगों फेस करनी पड़ती है, हाल ही में इन्होंने कई लोगों को राशन भी बांटा और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा चंचल जी, किस तरीके से आप देखते हो आप ही के यहां पर एक सबसे पहली बात इतनी बेहतरीन ग्राउंड का होना और लड़के और लड़की एक ही जगह पर खेल रहे हैं, कैसे देखते हो मैच को? सर, सबसे पहले मैं आपके मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मैच रखा हुआ है। और ये मैच मेरे ख्याल में हमारे भारत में ये पहली बार होगी लड़कियों का और लड़कों का मैच होना और लड़कियों को आगे बढ़ावा देना। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, समाज में बराबरी का दर्जा दिया। तो मैं चाहता हूँ, मैं लख लख बधाई देता हूँ आपके मीडिया को जिन्होंने ये मैच रखा और बच्चियों को बढ़ावा दिया। मैं नमन करता हूँ मातृशक्ति को और बच्चियों को। मैं चाहता हूँ लख लख बधाई है आपके मीडिया को जिन्होंने पहला कदम जी उठाया। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। इकरान जी आपके पास आते हैं, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद कि आपने एक ऐसी जगह पर एक ऐसी ग्राउंड मुहैया करवाई है और उसकी मेंटेनेंस इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पर जब भी कोई खेलता है तो कहता है कि वाह, हम कुछ शायद धर्मशाला खेल रहे हैं या हम किसी और जगह खेल रहे हैं। कैसे लगता है जब इस तरह का मैच जहाँ पर लड़के लड़की एक साथ खेल रहे हो, किस तरह का इनिशिएटिव आप देखते हो? जी, जो हमारा पर्पज़ है इस ग्राउंड को बनाने का और इनवाइट करने का या आपके यहाँ आने का और हमें अप्रिसिएट करने का, उससे हमें लगता है कि हमें नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। और हाँ, और ख़ासकर जब आप लोग एक नए आयाम में नई सोच के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो, इट्स हाईली अप्रिशिएबल। और हमें लगता है कि हम जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वी गेट विंडिकेटेड, वी गेट रिवार्डेड, वी गेट अप्रिशिएटेड। और हमें, मुझे आज आपको यहाँ रिसीव करके और यहाँ के जो प्लेयर्स आए उनका एंथुजियाज़म देख के आई एम इलेटेड, आई एम फीलिंग प्राउड एंड आई एम फीलिंग सक्सेसफुल। इवन मनी कैन नॉट गिव यू सच प्लेजर एज यू हैव टेकन इनिशिएटिव टू गिव मी। सो आई थैंक यू वेरी मच एंड आई इन्वाइट यू मैनी मोर टाइम्स हेयर, कीप कमिंग हेयर, keep enjoying the ground, keep enjoying the circumstances here. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी कुछ ही देर में जो है मैच की शुरुआत होने वाली है और अभी आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं, अब वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी करेंगे। बाबा चंचल जी स्ट्राइक पर हैं, श्यामलाल लंगर जी जो है गेंदबाजी पर कमान संभाले बैठे हैं। एक बार चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए आप गेंदबाजी की तैयारी है और ये देखिए और ये अच्छा मतलब बेहतरीन स्ट्राइक और अच्छा क्रिकेट जो है वो देखने को मिल रहा है।
काफ़ी सालों के बाद खेलूँ तो मेरा तो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट जो इनिशिएटिव मीडिया ने लिया, आई थिंक दिस इज़ गोन टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर माय गर्ल्स, क्योंकि आप लोग तो खेलते ही हो और आप अपने फन के लिए खेल रहे हो, बट इन लड़कियों को इनके करियर के लिए डेफिनेटली ये आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच, विवेक जी का बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा बोला मुझे और इस आज हम इस दिन को खेला हमने और आज हम ये ट्रॉफी। थैंक्स टू यू आल्सो, क्लैपिंग एक बार हो जाए जोर से। आइए पूरी टीम प्लीज। गेम थी लेकिन 20 में से फिर 16 पर गेम आ गई और वो 16 की गेम कब 15 में आ गई ये पता ही नहीं चला। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 15 के हिसाब से खेलते तो शायद मीडिया ग्रीन का जो है वो स्कोर 100 प्लस होता, लेकिन बहरहाल दो टीमें खेलती एक जीती है और आज मीडिया रेड टीम जो है वो जीती है। और आपको मैं बता दूं कि आज यहां पर बहुत बहुत सारे खास मेहमान हैं और सुबह हमने आपको मिलवाया था बाबा चंचल से, हमारे बीच में है और कांग्रेस की पार्षद भानु महाजन हमारे साथ है, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली सर हमारे साथ है, एसडीपीओ सर वरुण सर हमारे साथ है और तमाम, और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार भी अभिनंदन खजूरिया जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विनोद खजूरिया जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ है। और सबसे अहम बात जो है कि पिछली बार जब मीडिया 11 और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में मैच था तो एक ऐसा शख्स जो सुबह से लेकर शाम तक इसी ग्राउंड में था और वो शख्स आज भी सुबह से लेकर शाम तक यहां पर है, हमारे यहां के एसएचओ ख्याति मान, एक बार जोरदार ताली। ये कभी मौका इनको मिलता था क्योंकि हमने बहुत खेला है, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन अब चंदन कोहली सर ने बागडोर संभाली है जम्मू की, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले तो बहुत मैचेस होते थे लेकिन अब भी मैच जो है वो होने चाहिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।